जैसा कि आप लोगों ने हमारे नाटक के दूसरे दृश्य में देखा कि वो व्यक्ति उसकी मम्मी द्वारा नहीं भेजा गया था, देखते हैं इस नाटक का तीसरा दृश्य कि वो आदमी किस गलत काम को अंजाम देना चाहता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उस आदमी ने उस लड़की के साथ कैसा व्यवहार किया। रिया एक पहली लड़की नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है। हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया जाता है। हमें इन्हीं चीजों से बचना है, हमें अपने बच्चों को इन्हीं चीजों के बारे में समझाना है कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहे, ऐसे व्यक्ति की बातों में ना आए। आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक दिन में तीन बार तीन तरीके का खाना खाते हैं और ये गरीब बच्चे एक ही दिन में एक वक्त की रोटी के लिए अलग अलग लोगों से भीख मांगते हैं। तो प्लीज ऐसे बच्चों को नकारा ना करें, इनकी जैसे हो सके थोड़ी थोड़ी हेल्प करें ताकि ऐसे बच्चे और आगे बढ़ सके। थैंक यू। आपकी क्लैपिंग बच्चों का हौसला बढ़ा सकता है, ठीक है? तो अगर हमें बच्चों का हौसला बढ़ाना है तो आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है, क्लैपिंग। जितनी ज्यादा क्लैपिंग करोगे बच्चों का हौसला बढ़ेगा। जमा के ऊपर क्लैपिंग करेंगे। कैसी लगी आपको बच्चों की प्रस्तुति? बहुत अच्छी। अच्छी की बहुत अच्छी आवाज ही है, थोड़ा बहुत कैसी लगी? तो इस कॉन्सेप्ट को आपने देखा होगा कि देखो ये मैंने आपको एक चीज बताई कि ये हमारी क्या होती है, हम बच्चों के मामले में जब केयरलेस होते हैं। बहुत बारी आपने देखा हम बच्चों को छोड़ देते हैं स्कूल से, बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा हम उस चीज पे ध्यान नहीं देते। बच्चा ट्यूशन दिया घर से हमने ध्यान नहीं दिया, मार्केट में घूम रहा कहीं घूम रहा। आजकल ये भी कॉन्सेप्ट बहुत है, बच्चों का अगवा करके उनको किसी चीज के लिए मजबूर किया जाता है, मजदूर किया जाता बच्चों के लिए। इससे हमें यह सीख मिलते हैं कि हमें अपने बच्चों का ध्यान कैसा रखना चाहिए। कोई भी बच्चा अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, या तो उसकी मजबूरी हो गई या उसको उस रास्ते पे जबरदस्ती डाला गया है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर। Thank you.